हरियाणा के चरखी दादरी में एक महिला ने पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। पत्नी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर फौजी की हत्या कर दी। मृतक भारतीय सेना का जवान था। फौजी की हत्या उस वक्त की गई जब वो छुट्टियों पर अपने घर आया हुआ था। मामला चरखी दादरी के डोडीवाला किशनपुरा का है, जहां छुट्टी पर घर आए फौजी प्रवीण कुमार की संदिग्ध स्थिति में लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। प्रवीण सेना में 22 सिंगरल रेजिमेंट मेरठ में हवलदार के पद पर तैनात थे। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो सच्चाई जानकर लोगों के होश उड़ गए। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद फौजी की पत्नी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ की थी। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने अपने दोस्त के साथ फौजी को ड्यूटी पर जाने से एक दिन पहले नींद की गोलियां खिला दी और बाद में गला दबा कर हत्या कर दी थी। 5 फरवरी को संदिग्ध स्थिति में प्रवीण की लाश मिलने के बाद परिजनों ने उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था। परिजनों ने पुलिस को कहा था कि रात के समय वह खाना खाकर सोया था और जब सुबह उठा तो उसे चक्कर आ रहे थे। इसके बाद वे उसे दादरी सिविल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। 5 फरवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ हवलदार प्रवीण को अंतिम विदाई दी गई थी, लेकिन हवलदार प्रवीण की मौत के एक सप्ताह बाद जांच बोर्ड पैनल ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी उससे सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रवीण की मौत गला दबाए जाने और दम घुटने की वजह से हुई। इससे पुलिस हरकत में आई और इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुट गई। पूछताछ में प्रवीण की पत्नी मोनिका टूट गई और उसने बताया कि उसने अपने दोस्त विक्की के साथ कर हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक मोनिका ने पति को नींद की गोलियां दी और देर रात दोनों ने मिलकर फौजी प्रवीण की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना हकीम अनीस। जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता।